रावलपिंडी में एहतजाज क्यों खत्म किया, इमरान खान मौजूदा क़यादत पर भड़क उठे। इस एहतजाज से कबल इमरान खान ने पार्टी को वाज़े पैगाम दिया था कि वो कारकुनान के साथ रहेंगे और किसी भी सूरत में एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, मगर ज़राए के मुताबिक इमरान खान के अहकामात के बरअक्स एहतजाज खत्म कर दिया गया, जिससे कारकुनान में शदीद मायूसी फैली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी एहतजाज में शिरकत ना कर सके, हालांकि इमरान खान ने वाज़े अहकामात दिए थे कि अली अमीन गंडापुर इस एहतजाज को मरकजी लीडर के तौर पर लीड करेंगे, जबकि अली अमीन गंडापुर के पहुँचने से कबल ही एहतजाज को मौजूदा क़यादत संभाल ना सकी और एहतजाज खत्म कर दिया गया। एहतजाज खत्म करने में मरकजी किरदार चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान का था। एहतजाज खत्म होने के बाद इमरान खान ने सीनियर रहनुमाओं से जेल में मुलाकात की और कहा कि बैरिस्टर गोहर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने बुजदिली का मुजाहरा किया है। अब हालात ऐसे हैं कि जब तक गिरफ्तारियों का खौफ खत्म नहीं होगा तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान ने सीनियर क़यादत को हिदायत जारी की हैं कि बैरिस्टर गोहर को तब्दील किया जाए और पार्टी मुशावरत के बाद एक ऐसा चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद किया जाए जो कारकुनान को पार्टी रहनुमाओं को फ्रंट पर आकर लीड कर सके। सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने फिर इस चीज़ को दोहराया कि मेरी पार्टी में किसी ऐसे शख्स की कोई जगह नहीं जो गिरफ्तारियों का खौफ रखता हो, क्योंकि मैंने कौम के खौफ के बुत तोड़ने हैं।